सीमा अंजू तो कुछ नहीं, राजस्थान की दीपिका ने कर दिया बहुत बड़ा कांड, और कुवैत में धर्म परिवर्तन कर रचाई दूसरे धर्म के लड़के से शादी। हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं बोला ठीक है, वो हमेशा जाती थी तो मैंने विश्वास किया जाती रहती है तो आ जाएगी शाम तक। तो मैंने बाद में शाम को फोन किया 4 बजे, वो बताया मेरे को कि मैं अभी दवाखाना पहुंची नहीं है, आज गाड़ी लेट है, बारिश है, इसकी वजह से पहुंच नहीं पाई हूँ। कभी एक दो बार ऐसा पहले भी हुआ है गाड़ी लेट ऐसा है। तो मैं ठीक है करके शाम को फोन करती है करके उसने फोन रख दिया। फिर शाम को मैंने बात की तो बुलाया गया, अभी डॉक्टर साहब नहीं आए, मेरी कुछ बात बात हुई नहीं, मेरी रिपोर्ट कल होगी ऐसा करके उसने बताया। फिर कल रिपोर्ट विपोर्ट की उसने, बोला मैं आज शाम तक घर पहुँच जाऊँगी। फिर शाम को घर नहीं पहुँची, फिर मेरे को मेरा कॉल भी उसने फिर रिसीव करना बंद कर दिया। दूसरे दिन सुबह मेरे को कॉल आया, उसका सामने व्हाट्सएप कॉल आया, लोकल कॉल लगा नहीं, व्हाट्सएप कॉल से उसने कॉल किया मेरे को। तो उसने मेरे को बता दिया कि मैं अभी इधर नहीं हूँ, मैं बाहर चली गई हूँ, ऐसा ऐसा करके उसने आगे बताया। तो मैंने रिक्वेस्ट की उससे बहुत, तो कुछ बात मानने को तैयार की। फिर बाद में मैं एक दिन और रहा देखी, मैं मुंबई से गाँव आया, एक दिन और रहा देखी। फिर राह देखने के बाद मेरे को फोन आया कि मैं कल तक आ जाऊँ। मैंने राह देखी, दूसरे दिन आके मेरे को कुछ दिलासा हुआ नहीं। जी हाँ, आपने सुना होगा कि राजस्थान की दीपिका ने कुवैत में अपने आशिक के साथ भागकर निकाह कर लिया है, अपना धर्म भी बदल लिया है, वो उसके साथ फुलके में नजर आ रही है। ने उसके गुम होने पर गुमशुदगी दर्ज कराई, पता चला कि उसको एक मुस्लिम समाज के युवा के द्वारा उसका ब्रांड वॉश किया गया, उसका फर्जी तथ्यों के आधार पर पासपोर्ट बनाया गया और उसको विदेश ले जाया गया और वहां जाकर के उसका धर्म परिवर्तन कराया है। और किन परिस्थितियों में कराया, किन स्थितियों में वो महिला हमारी बहन वो गुजर रही है, किन परिस्थितियों में उसने उस धर्म को अंगीकार किया, स्वीकार किया, वो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्योंकि उसका फोटो वहां शादी का बुर्का पहन करके मुस्लिम समाज के जिस तरह का चरित्र की गणवेश है उसमें उसका फोटो वायरल हो रहा है, जिससे पूरा समाज, पाटीदार समाज ही नहीं वरन हिंदू समाज आहत है। क्या सरकार दीपिका को कुवैत से वापस ला पाएगी, देखना बाकी है। कुछ भी हो, पाटीदार समाज ने थाने में रिपोर्ट लिखाकर गुहार लगाई है कि अंजू को वापस भारत लाया जाए। उसके ऊपर पता नहीं कैसे अत्याचार किया जा रहा है, ना जाने कौन कौन से आरोप लगाते हुए पाटीदार समाज के लोगों ने थाने में तहरीर दी है और अंजू को कुवैत से वापस बुलाने के लिए दृढ़ कर्तव्य हैं।